कुछ लोगों ने एक पत्र निकाला है, उसमें कहा गया है आप पर तो कई तरह के आरोप लगाए हैं, कहा जा रहा है कि आपने जो अरविंद के खिलाफ कुछ न्यूज प्लांट की उसके बाद आपने कुछ बातें लीक की, ऐसा आप पर आरोप लगाया जाए, क्या कहेंगे? मैं अपने चारों साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम सार्वजनिक रूप से लिख के अपनी बात को कहा। कम से कम इससे कई दिनों से जो अफवाह और कानाफूसी का दौर चल रहा है वो खत्म होगा, एक सच का संवाद शुरू होगा। यहाँ बापू कुटी के सामने खड़ा हूँ, सेवाग्राम वर्धा में, इतना विश्वास है कि सच की विजय होगी। और अपने साथियों से एक दो छोटे आग्रह हैं कि अब जबकि खुला सच का संवाद शुरू हो गया है तो कम से कम ये जो खबरें आ रही हैं कि तमाम साथियों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयान दें, दिल्ली के एमएलए लोगों से जोर जबरदस्ती से हमारे खिलाफ दस्तखत करवाए जा रहे हैं, ये सब बंद करें। प्रशांत जी और मैं जवाब देंगे, उम्मीद है हमारे जवाब को भी उसी तरह से सार्वजनिक किया जाएगा पार्टी के मंच से जैसे कि इन आरोपों को किया गया है। और एक अनुरोध है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये जो आपका बयान आया है जो हम जवाब देंगे उस पे इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण दिया जाए कि वो अपनी राय रखें, और पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी राय रखें उसे भी वेबसाइट पे स्थान दिया जाए। ये सत्य का संवाद है, सच्चा सत्संग है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। खुले तौर पर मांग हो रही है कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी आपको हटाया जाए। जैसा मैंने कहा, ये इन सब चीजों पर खुली तौर पर चर्चा हो। वैसे पार्टी के अंदर इसका एक विधि विधान है, विधि विधान ये कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी आरोप हो तो लोकपाल उसकी जांच करते हैं। पार्टी के लोकपाल ने चिट्ठी लिख के कहा है कि वो ऐसे किसी भी जांच आरोप की जांच करना चाहते हैं, ना केवल तैयार हैं, ना केवल उनके पास अधिकार है बल्कि वो चाहते हैं कि वो ऐसा करें। करवा लीजिए जांच, सच जीतेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि अभी आपको निकल जाना चाहिए आम आदमी पार्टी से, भगवंत मान हो, कई तरह के नेता वो भी साफ साफ कह रहे, फिर भी आपका निर्णय क्या होगा ऐसे समय? ये सारी बात तो हो गई ना, अभी तो मैंने बता दिया सारी बात तो।